दादा एक्सक्यूज मी बेटा, कितना डीबी गेन दिया है दादा, ये कौन है? उसको बिछाओ ना यार, बच्चे दादा, मोबाइल दादा, मोबाइल दादा, जय हिंद और नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। आपका कुछ कीमती वक्त चाहता हूँ इस मुबारक और अहम मौके पे। वंस अगेन आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम शुक्रगुजार हैं कि आप इस बहुत ही कीमती लम्हे पे हमारे साथ हैं, इसका हिस्सा हैं। 2 साल पहले एक सपने का बीज बोया गया था। आज 2 सालों के परिश्रम के बाद वो बीज एक पौधा बना है, उसका पहला फूल खिला है, जिसे हम आज पेश करना चाहते हैं आपके लिए। अभी पेड़ उगना बाकी है। स्वामी विवेकानंद जी ने कई साल पहले कहा था कि संभव की सीमा जानने का केवल एक ही तरीका है, असंभव के आगे निकल जाना। सबने कहा कि ये फिल्म बनाना असंभव है, पर इस फिल्म से जुड़े हुए हर शख्स ने इस असंभव को संभव करने की ठान ली, क्योंकि जिस हस्ती पे ये फिल्म बन रही है, उन्होंने जब वाडनगर गुजरात के एक चाय वाले से देश का प्रधानमंत्री बन के दिखा दिया, तो फिर ये तो एक फिल्म है। उनके नक्शे कदम पे चलते हुए इसे तो बनना ही था। कहानी है एक इंसान की जिसने 7 साल की उम्र में अपनी चाय से लोगों की सांसों में जोश और ताजगी भरी, और आज कई दशक बाद, मैं कहूंगा 60 साल बाद, वही जोश और ताजगी वो पूरे देश की रगों में भर रहे हैं। पहली बार एक फिल्म में आप एक हीरो के इतने सारे किरदार देखेंगे, क्रांतिकारी, देशभक्त, नेता, बेटा, भाई, गुरु, शिष्य, लीडर, सन्यासी।
और सेवक, और इसीलिए वो आज हम सब 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की इतनी प्यार के साथ और शिद्दत के साथ सेवा कर रहे हैं। बहुत सी फिल्में बनी हैं किसी आदमी पर पहली बार एक फिल्म बनने जा रही है जो कि इंसान की नहीं, एक देश की कहानी है, हिंदुस्तान की कहानी है, और यही हमारी फिल्म है, एन इंस्पिरेशनल स्टोरी फॉर एवरी इंडियन। आई प्रेजेंट पीएम नरेंद्र मोदी। आई वुड नाउ लाइक टू इंट्रोड्यूस आई एस्टीम्ड गेस्ट्स। सबसे पहले मुझे एतबार है कि आप इन्हें अच्छी तरह पहचानते हैं। इनकी वजनदार आवाज और शानदार शख्सियत ने 1980 के दशक में जो धूम मचाई थी, आज एक बार फिर बॉलीवुड में एक शानदार कारनामा करने जा रहे हैं। फ्रॉम एक बार फिर टू एतबार टू श्रद्धांजलि, शराबी नमक हलाल, मजदूर लावारिस, व्हाट क्लास परफॉर्मेंसेस इन ओवर 300 फिल्म्स सर, आई सैल्यूट यू। एंड यस, लेट्स नॉट फॉरगेट विनर ऑफ द नेशनल अवार्ड फॉर मिर्च मसाला, अब इंडिया की सबसे बड़ी बायोपिक को अपने वजूद के मजबूत कंधों पे उठाने जा रहे हैं एज को प्रोड्यूसर मिस्टर सुरेश ओबेरॉय। प्लीज में इंडिया की सबसे सनसनीखेज बायोपिक के प्रोड्यूसर, बॉलीवुड के सबसे नौजवान प्रोड्यूसर भी हैं। पहले एज ए जर्नलिस्ट, उसके बाद एज ए को प्रोड्यूसर और अब एज ए प्रोड्यूसर हर तरह की फिल्में बनाई। एपिक फिल्म्स लाइक रामलीला एंड बाजीराव मस्तानी, मसाला फिल्म्स लाइक राउडी राठौड़ एंड भूमि, बायोपिक्स लाइक सरबजीत एंड मैरी कॉम। पर इस बार वो ऐसी फिल्म बनाना चाहते थे जिस मुल्क को एक प्रेरणा दे, एक पैगाम दे, एक दिशा दे, जिसे देखने के बाद हर दर्शक एक हिंदुस्तानी होने का गर्व महसूस करे। आई प्रेजेंट संदीप सिंह। पहले बॉलीवुड के सबसे बड़े प्रोडक्शन डिजाइनर के नाम से मशहूर हुए, उनका एक एक आर्टिस्टिक फ्रेम एक मास्टरपीस माना जाता है, और आज ये मेरे अल्फाज हैं, अपना मैग्नम ओपस बनाने जा रहे हैं। नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर ऑफ मैरी कॉम, सरबजीत एंड भूमि, भूमि में बहुत रह लिए, अब इस फिल्म के जरिए सीधे आसमान छूने निकल पड़े मिस्टर उमंग कुमार। वन ऑफ द मोस्ट दमदार एक्टर्स ऑफ दिस मिलेनियम, हिज शो इनसाइड एज हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वेब सीरीज टू बी नॉमिनेटेड फॉर द प्रेस्टीजियस एमी अवार्ड्स। बट मच बिफोर दैट, 2001 में तूफान की तरह आए, अपनी पहली फिल्म कंपनी के लिए उन्हें एक नहीं दो दो फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले। फ्रॉम प्लेइंग द सेंसिटिव रोमांटिक हीरो इन साथिया टू द एंग्री यंग मैन इन दम, द एंटी हीरो इन शूट आउट लोखंडवाला, टू प्लेइंग द विलन इन क्रिश 3, टू प्लेइंग अ रियल लाइफ कैरेक्टर इन रक्त चरित्र, आज तक हर रंग और हर चरित्र का किरदार निभाया। पर अब उन्होंने स्वीकार किया है अपने जीवन की सबसे बड़ी चुनौती। हाउ अमेजिंग that in 2006 he got the Red and White Bravery Award because he rebuilt an entire village in Tamil Nadu after the catastrophic tsunami. And today he's playing a man who has rebuilt an entire nation in the last 5 years. We have with us Vivek Anand Oberoi. And finally, our honorable guest of honor needs absolutely no introduction. The second youngest CM in the history of Maharashtra. He has led the state with a vision that has truly transformed lives, with an impeccable administrative record seen as pro-people and reform-based. What Sri Narendra Modi has achieved nationally, he has single-handedly accomplished for Maharashtra. What is truly remarkable is his dream to transform Maharashtra into a trillion-dollar economy by 2025. तो आप समझ सकते हैं कि वो कितनी देर हमारे साथ रहने वाले हैं। द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र श्री देवेंद्र फडणवीस। एंड बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, मैं आज इस फूल के खुलने की और खिलने की खुशी में हम चाहते हैं कि एक पूरा गुलदस्ता आप सबको सम्मानित किया जाए। सो मे आई प्लीज प्रेजेंट इन ऑनर
सबसे पहले श्री देवेंद्र फडणवीस, सो प्लीज एक्सेप्ट हम्बल ग्रैटिट्यूड. श्री विवेकानंद ओबेरॉय, श्री सुरेश ओबेरॉय जी, श्री विवेकानंद ओबेरॉय, श्री उमंग कुमार, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट श्री संदीप सिंह. पहले तो मैं दाद दूंगा संदीप, उमंग, विवेकानंद ओबेरॉय, जिनकी घंटों नहीं, महीनों नहीं, सालों की मेहनत के बाद श्री नरेंद्र मोदी जी का ये जो लुक तय हुआ है, उनकी बॉडी लैंग्वेज से लेकर उनके चेहरे की एक एक लकीर को जिस बारीकी के साथ इस पोस्टर के जरिए दर्शाया गया है, ये दुनिया का पहला ऐसा पोस्टर है जो 23 भाषाओं में रिलीज किया जा रहा है. एंड आई रिक्वेस्ट आवर ऑनरेबल चीफ गेस्ट श्री देवेंद्र फडणवीस टू डू द ऑनर्स एंड प्लीज वेलकम द पोस्टर ऑफ पीएम नरेंद्र मोदी. The poster of PM Narendra Modi once again. And I would request all our guests and chief guests to please come forward and we'll have a media photo opportunity for all of you all. Please come ahead. It is my humble request, starting with Shri Suresh Ogurai ji, to please inspire us with your words. हाँ जी,
नमस्कार, विवेक आनंद ओबरॉय। सौभाग्य है कि एक ये ऐसे योगी कर्मयोगी का रोल निभा रहे हैं, ऐसी एक महान हस्ती का रोल निभा रहे हैं जिसे सिर्फ भारत में नहीं बल्कि सारे विश्व ने, सारी दुनिया ने अपनाया है। और मुझे उम्मीद है, ना सिर्फ उम्मीद है बट यकीन है, पूरा विश्वास है कि जितना मेहनती है विवेक और अपनी उनकी टीम, और मुझे उम्मीद है और यकीन है अगेन आगे कि ये बहुत ही अच्छी एक फिल्म बनाएंगे जो कि सदाबहार रहेगी। थैंक यू सो मच। भगवान से प्रार्थना करता हूँ और साथ में अपनी आशीर्वाद भी देता हूँ। बच्चे, बहुत अच्छी फिल्म बनाना। गॉड ब्लेस। नाउ आई वुड रिक्वेस्ट संदीप सिंह टू से अ फ्यू वर्ड्स प्लीज। नमस्कार। पहले तो अनिरुद्ध, थैंक यू सो मच कि आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया हम सबका, और मेरे मीडिया के दोस्तों, मेरे दोस्त, मेरे जितने लोग लेजेंड ग्लोबल स्टूडियो में काम करते हैं, उन सबका थैंक यू सो मच। बहुत डर था हम सबको इस फिल्म को सोचने में भी, और जब हमने सोचा तो मैं सबसे पहले बिना किसी से शेयर किए एक दिन पता किया कि विवेक कहाँ पर शूटिंग कर रहे हैं, और मैं विवेक के पास गया। मैंने बोला मुझे 5 मिनट का काम है आपसे, तो विवेक ने बोला हाँ ठीक है, क्योंकि विवेक और मैं 18 साल से एक दूसरे को जानते हैं। और मैंने बोला भाई एक सोच है जो पॉसिबल नहीं है, पर अगर हमने एक साथ वो सोच रख ली तो शायद पॉसिबल हो सकता है। तो विवेक मेकअप करा रहे थे, तो उन्होंने एक एक्टर की तरह मुझे बोला जल्दी बोल मुझे सेट पर जाना है। मैंने कहा भाई मुझे श्री नरेंद्र मोदी जी पर फिल्म बनानी है। उन्होंने बोला हाँ मैं कर रहा हूँ आगे बोल। तो मैंने बोला हाँ यही था बस। तो बोले ठीक है शाम को मिलते हैं अच्छे से, मैं अभी शॉट देने जा रहा हूँ। मैं बोला ठीक है। उसके बाद मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैं वहाँ से चला गया। फिर हम रात को मिले, और उस रात के बाद आप कुछ और मत समझेगा, हम हर दिन हर रात मिले हैं। और एक साथ हमने अनिरुद्ध जो हमारे स्क्रीन प्ले राइटर हैं, हर्ष लिम्बाचिया जो हमारे डायलॉग राइटर हैं, और उमंग और विवेक और हमारी पूरी टीम एक साथ मिल के स्क्रिप्ट को डेवलप करते रहे, और आज इस जगह पर पोस्टर रिलीज करना, मुझे लग रहा है फिल्म रिलीज कर रहे हैं हम, क्योंकि बहुत मुश्किल था इस पर किताब छप सकती है कि कितना मुश्किल था यहाँ तक पहुँचना। उसके बाद दादा आपने हाँ बोला इस पोस्टर को लॉन्च करने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, वी ऑल नीड योर ब्लेसिंग, एंड थैंक यू सर कि आपने हमको अपना ब्लेसिंग दिया। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस। गॉड ब्लेस। नाउ आई वुड रिक्वेस्ट उमंग, श्री उमंग कुमार, प्लीज से फ्यू काइंड वर्ड्स। थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग एंड गिविंग अस योर ब्लेसिंग। थैंक यू सर फॉर इनॉग्रेटिंग दिस फॉर अस, इट मीन्स अ लॉट। I must say this is one of the most difficult and challenging role that I'll be playing for means in my career, because to direct a film, a biopic of a man who is one of the most prolific leaders in the history of India is the most, you know, challenging thing for a director can do. And I humbly take the opportunity that I just with their help give full justice to make a film that everyone will be proud of. And I know we are very excited but nervous too. So we only require your blessings and support, and thank you once again for coming over here. Thank you. Yahan main ye bhi yaad dilana chahunga ki probably itihas mein ye pehli aisi picture ban rahi hai which is on a sitting leader, on a sitting prime minister, because generally filmen jab banti hain kai saalon ke baad banti hain, so this is something again where you all are creating history, and congratulations for that. Vivekanand Oberoi, please. Jai Hind. Main apna bahut bada saubhagya manta hu. I think I'm extremely fortunate. This is, you know, today I'm feeling like how I felt 16 years ago jab maine apna career shuru kiya tha company ke pehle dino mein. I'm feeling the same excitement, the same hunger, because this kind of a role is a once in a lifetime experience for any actor. Bahut bada saubhagya manta hu main,
And I truly believe that at the end of this journey, I hope, I pray, that I shall become a better actor and a better human being because of the inspiration that this film is all about. Narendra Bhai is one of the tallest leaders, not just in this country, but in the world. And I think that to bring him alive on screen, to bring his persona, to bring his inspirational qualities on screen is an incredible challenge. And I reach out to all of you, ki aap hame apna aashirwaad dein, aap hame apne support dein, apna pyar dein, that we can make this incredible journey possible. Har achha kaam kehte hain, blessing se, aashirwaad se shuru hota hai. Dad ne apni blessing de di. I'm looking for blessings of everybody. Most importantly, I feel that I'm really honored and really touched. The most dynamic chief minister of Maharashtra, the man who puts Maha back in Maharashtra, mere liye apne bade bhai jaise hain, aur bade bhai ke aashirwad se ye kaam shuru ho raha hai. So I thank you so much, Dad. Thank you. And now, our honorable chief guest, Shri Devendra Fadnavis. आदरणीय सुरेश ओब्रॉय जी, संदीप जी, उमंग जी, मेरे मित्र और छोटे भाई विवेक जी, वैसे सबने विवेकानंद आज पूरा नाम आपका लिया है, लेकिन विवेक जी ही अच्छा लगता है, और यहाँ उपस्थित सभी मित्रों, मीडिया के बहनों और भाइयों, मैं ऐसा मानता हूँ कि आज एक नए इतिहास की शुरुआत इस पोस्टर लॉन्च से हो रही है. भारत ने इस सदी के एक वैश्विक नेता को जन्म दिया है और जिनके नेतृत्व में भारत केवल नई ऊंचाइयां नहीं छू रहा बल्कि भारत के जन जन के आशाएं आकांक्षाएं अपेक्षाओं को पूरा करने का काम जिनके नेतृत्व में हो रहा है. ऐसे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, इनके जीवन चरित्र पर एक फिल्म बने, मैं ऐसा मानता हूं कि विचार ही अपने आप में बहुत महान विचार है, और मैं इस विचार के लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं. और ये जो टीम बनी है, कई बार हम लोग कहते हैं डेडली कॉम्बिनेशन, पर मैं इसको डेडली नहीं कहूंगा, मैं इसको विनिंग कॉम्बिनेशन कहूंगा. इट्स अ विनिंग कॉम्बिनेशन. और मेरा विश्वास है कि एक ऐसी प्रेरक फिल्म तैयार होगी. हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि जो हमारी युवा पीढ़ी है इसे प्रेरित करने की आवश्यकता है, उसमें असीमित क्षमताएं हैं, किंतु उन क्षमताओं को कोई अगर प्रेरित करे तभी वो क्षमताएं उजागर होती है. और इस प्रेरणा को पाने के लिए कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं कि जिनके जीवन दर्शन से ये प्रेरणा हमको मिलती है. मोदी जी का जीवन भी ऐसा ही रहा है. गरीबी से निकले हुए, चाय बांटते हुए, एक संन्यास्त के रूप में हिमालय में जाकर तपश्चर्या करने वाले, और उसके बाद धीरे धीरे संगठन का महत्व जानकर लोगों को संगठित करते हुए राजनीति में अपना वजूद बनाने वाले, हम हमेशा शब्द का उपयोग करते राजयोगी. एक राजा होता है, एक योगी होता है, लेकिन जो राजा होते हुए भी योगी होता है वो राजयोगी होता है. और मैं ऐसा मानता हूं कि मोदी जी का व्यक्तिमत्व ये राजयोगी की तरह है, और इस राजयोगी को दुनिया के सामने लाने का काम इस फिल्म के माध्यम से होने वाला है. विवेक जी, वी आर वेरी एक्साइटेड. हम लोगों को तो ऐसा लगता है कि आज ये पोस्टर लॉन्च हुआ, कल फिल्म लॉन्च हो जानी चाहिए, पर मैं जानता हूं कि कितने एफर्ट्स, कितनी तकलीफें आपको इसके लिए लेनी पड़ेगी. ये बहुत ही गंभीर किस्म का कार्य है कि जिसको आपको बहुत कम समय में पूरा करना है. और मेरा विश्वास है जिस लगन के साथ आप लोग इसमें लगे हैं, और मैं हमेशा ये मानता हूं, मैं तो ईश्वर में बिलीव करने वाला आदमी हूं, तो जब आप इस प्रकार का कार्य हाथ में लेते हैं तो ईश्वर ही आपको शक्ति भी देता है, प्रेरणा भी देता है और आशीर्वाद भी देता है. और इसलिए ईश्वर का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, और देश और दुनिया को
एक प्रकार से चकित कर जाए, विस्मय से लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाए और लोग ये कहे कि अगर कोई फिल्म प्रेरणा दे सकती है तो वो ये फिल्म दे सकती है, इस प्रकार का काम आपके हाथ से होगा, ये मैं विश्वास व्यक्त करता हूं और ये भविष्यवाणी भी आज ही करता हूं। और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए मुझे इस बिकॉज यू आर क्रिएटिंग हिस्ट्री एंड टू बी पार्ट ऑफ अ हिस्ट्री वन हैज टू बी, मैं ऐसा मानता हूं कि एक आप भी भाग्यशाली होने चाहिए और मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं। आई फील दैट आई एम फॉर्चुनेट दैट यू हैव चोजन मी फॉर दिस प्रोग्राम, क्योंकि जब ये फिल्म बनेगी और लोगों तक पहुंचेगी, और जैसा आपने कहा बुक तो आपको तैयार करनी पड़ेगी ऑन मेकिंग ऑफ दिस फिल्म, तो उस इतिहास के एक पन्ने पर यह भी लिखा होगा कि इसके पोस्टर लॉन्च को मैं आया था। और इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आखिर में मैं सुरेश जी आपके पास आता हूँ एक चंद लम्हे के लिए, क्योंकि मैंने, मुझे याद है आपकी एक फिल्म आई थी त्रिवेणी, आज कितने सालों बाद एक नई त्रिवेणी पैदा हो रही है। आपने अपने बेटे का नाम रखा विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद से लेकर। बहुत कम लोगों को पता है कि विवेकानंद का असली नाम नरेंद्र है और नरेंद्र मोदी जी स्वामी विवेकानंद से हमेशा प्रेरित हुए। तो ये जो एक त्रिवेणी संगम जो आप लोगों ने पैदा किया है, ये बहुत अनूठा है, बहुत अनोखा है। क्या कहेंगे इस बारे में आप? मैं सिर्फ एक आपको बात बताऊंगा कि जब मैं अपनी पत्नी विवेक की मदर को मद्रास में मिलने गया था शादी के लिए जी, तो मैंने देखा, मैंने कहा हाँ मैं इनसे शादी करूंगा। अच्छा। और तब बोला था कि जब इनसे शादी होगी पहले बेटा होगा, हाँ। उसका नाम होगा विवेकानंद ओबेरॉय। क्या बात है। उसी दिन बता दिया था और हो गया, भगवान ने दे दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू ऑल फॉर वेलकमिंग द पोस्टर ऑफ पीएम नरेंद्र मोदी। एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट योर ग्रेशियस प्रेजेंस इन द टी रूम वेयर वी गोना बी हैविंग हाई टी। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू ऑल सर। थैंक यू सर टू श्री देवेंद्र फडणवीस जी टू ऑनर अस। थैंक यू अगेन। दादा हो दादा, अरे कम से कम थोड़ा तो मुझे नीचे कर लो। अभी तो शॉर्ट बना, तेरे को चिल्ला चिल्ला के बोला है शॉर्ट।
वाइट नहीं है ना? हाँ खाली रिक्शा भी है, जस्ट वी आर गिविंग पिक्चर फैमिली को। हेलो कैमरा अजय पीछे अजय अजय पीछे वेट 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 ये इधर ही है ना, ये अगर हटकर बैठा
One pixel. Dad, mom. Kedar, mera phone. Bye, bye. One pixel. One pixel. Sandeep sir. Okay sir, done. One second, show me first. Good sir, thank you.